सात्विक भोजन पर, और ऐसा भोजन जो शरीर को स्वस्थ रखे, इस पर चरक संहिता में बड़ा सुंदर उल्लेख हुआ है। और चरक ने बताया है कि रसपूर्ण भोजन और ऐसा रस जो मृदु हो, स्निग्ध हो, ऐसा भोजन शरीर का निर्माता तो है ही, उसका प्रभाव बुद्धि पर भी पड़ता है। इसी प्रकार गीता में अर्जुन ने कृष्ण से सीधा प्रश्न पूछा कि भोजन के बारे में आप बताइए कि कैसा भोजन सबको करना चाहिए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि अर्जुन, भोजन तीन प्रकार का होता है, पहला सात्विक, दूसरा राजस और तीसरा तामस। सांख्य दर्शन में प्रकृति के ये तीन गुण बताए गए हैं, सात्विक, राजस, तामस, सत्व, रज, तम। कृष्ण ने भोजन को इसी गुण श्रेणी के आधार पर विभाजित किया है। सात्विक भोजन के बारे में कृष्ण ने कहा कि यह वह भोजन है जो शरीर को निर्भार रखता है। स्वास्थ्य की सुंदर परिभाषा यही है कि जब हमको शरीर का आभास न रहे। बुखार के दिनों में हम अस्वस्थ होते हैं तो बार बार ध्यान आता है कि हमारा शरीर है। कभी कभी शरीर के किसी अंग पर चोट होती है तो वह अंग बार बार ध्यान में आता है, लेकिन जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमको ये ध्यान नहीं रहता कि हम शरीर हैं। हम मनमौज में होते हैं, हम अध्ययन कर रहे होते हैं, शरीर पर ध्यान नहीं जाता। तो सुंदर सात्विक भोजन वह हुआ जिसमें शरीर ऐसा बने कि शरीर का स्मरण ही न करना पड़े कि हम शरीर वाले भी हैं। इसके लिए बड़ा खूबसूरत शब्द प्रयोग हुआ है प्राचीन साहित्य में, विदेह। अंग्रेजी में कह सकते हैं बॉडीलेसनेस। हमको शरीर की अनुभूति ही ना हो कि हम शरीर हैं। तो जब शरीर की अनुभूति नहीं होगी तो मन की अनुभूति होगी, फिर मन के और ऊपर जाएंगे तो विवेक की अनुभूति होगी, जिसे उपनिषदों में विज्ञानमय कोश कहा, फिर आत्म अनुभूति होगी जिसे आनंदमय कोश कहा है। तो भोजन के वह भाग जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, फल प्राप्त होते हैं प्रकृति से सीधे, कुछ ऐसे तत्व हैं जो जमीन में प्राप्त होते हैं जैसे मूंगफली है, जैसे शकरकंद है, ऐसे जमीन से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, और ऐसे पदार्थ जो सीधे पशुओं के दूध से जुड़े हुए हैं, इनको हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा में सात्विक भोजन बताया गया है। सात्विक भोजन का सीधा अर्थ है कि हमारे भीतर सत्व गुण की अभिवृद्धि करने वाला भोजन, रसयुक्त भोजन, गन्ने का रस, फलों का रस, इस भोजन को लेने के बारे में ज़्यादा सजगता पूर्वक कहा गया। गीता दर्शन के अनुसार ऐसा भोजन हमारे भीतर अहंकार पैदा करता है और यह भोजन शुभ नहीं होता। तामस भोजन के बारे में कृष्ण ने कहा कि ऐसा भोजन जो बासी हो, ऐसा भोजन जो कुत्तों ने जूठा कर दिया हो, ऐसा भोजन जो हमारे शरीर की ऊष्मा विशेष प्रकार से बढ़ाता हो, हमको निष्क्रिय करता हो, हमको नींद में लाता हो, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले का बनाया भोजन अर्थात बासी भोजन, रूखा भोजन, टुकड़ों में बटा हुआ भोजन, ऐसे भोजन को गीता में और चरक संहिता में और अन्य हमारे प्राचीन ग्रंथों में निषिद्ध माना गया है। और भोजन के बारे में आधुनिक पीढ़ी, आधुनिक समाज बहुत कम सजग रह गया है। भारत की परंपरा से वो प्रेरित नहीं होता, फास्ट फूड का ज़माना है और उसके कारण हमारा पूरी दिनचर्या अव्यवस्थित हो गई है। नए नए रोग आए हैं, ऐसे रोग जिनके अंग्रेजी में तो नाम हमने सुने हैं, हम लोगों ने पहले जिनके नाम नहीं सुने थे। तो एक सीधा मार्ग है राष्ट्रीय स्वास्थ्य का कि भोजन के बारे में जो प्राचीन धारणाएं हैं उनके विवेक से हम प्रेरित हों। जहाँ कहीं लगे कि नहीं हमारी आधुनिक गतिविधि के लिए कुछ नया ज़रूरी है, उसको जोड़ते चलें। अतीत और वर्तमान दोनों की निरंतरता में भोजन के रहस्य, शक्ति संवर्धन के रहस्य, स्वयं स्वस्थ होने के रहस्यों की तरफ बढ़ें और इस आधार पर आज की दिनचर्या में आगे चलें और इसको सोचें भी तो मंगलमय होगा।